हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कलर पेंसिल से रियलिस्टिक आईड्रॉ कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आउटलाइन बहुत ही आराम से ड्रॉ करना है। ड्राइंग में आउटलाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी आउटलाइन अच्छी है तो ड्राइंग अच्छा ही होगा। देखिए, ये सब डार्क एरिया है तो मैं इसमें कलर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे बिगिनर है जो जल्दबाजी में ड्रॉ करते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं। आपको पेशेंस से काम लेना है। इस आई को ड्रॉ करने में मुझे कपल ऑफ आवर लग गए थे। एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। देखिए, ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ करना और कलर पेंसिल से ड्रॉ करना दोनों में ही बहुत डिफरेंस है। ग्रेफाइट पेंसिल को आप आसानी से शेडिंग कर सकते हैं, मगर इसमें आपको लेयरिंग पे ध्यान देना होगा। आपको बहुत सारे लेयर पे लेयर बनाते रहना है। जो लाइट एरिया है उसको हल्के हाथों से लेयरिंग करना है और जो डार्क एरिया है उसको भी हल्के हाथों से ही लेयरिंग करना है, मगर ज़्यादा लेयरिंग करना है और उसमें डार्क पेंसिल का यूज़ करना है। लेयरिंग तब तक करते रहिए जब तक कलर अच्छे से मिक्स ना हो जाए। देखिए, मैं डार्क एरिया है जो बना रहा हूँ ब्लैक कलर पेंसिल से। देखिए, मैं शेडिंग के लिए प्रिज्मा कलरलेस पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी है शेडिंग के लिए। वैसे तो बहुत सारे मीडियम्स आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर यही पेंसिल का यूज़ करता हूँ। देखिए कैसे मिक्स हो रहा है, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है कलर इससे। देखिए, मैं अभी जो आई का ऊपरी हिस्सा है उसको डार्क कर रहा हूँ। आई में भी बहुत सारे देखिए मैं कितने लेयर बना रहा हूँ। लेयर पे लेयर आपको बनाते ही जाना है। कलर पेंसिल में लेयरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो हाईलाइट एरिया है उसको आप वाइट ही रखिए और हल्के हाथों से उसको लेयर कीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। आई में छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना है आपको। देखिए कितने सारे लेयर बना दिए मैंने। अभी जो डार्क एरिया है उसको डार्क पेंसिल से मैं लेयरिंग कर रहा हूँ। अब देखिए, आई लिड्स बना रहा हूँ मैं। आई लिड्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी पेंसिल काफ़ी शार्प होनी चाहिए और आई लिड्स को आप कर्व देंगे तो रियलिस्टिक लुक आएगा। ठीक है, जैसे मैं एक कर्व दे रहा हूँ जिससे रियलिस्टिक लुक आएगा। कर्व ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ड्राइंग के लिए। और ज़्यादा आई को रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं व्हाइट जेल पेन का भी यूज़ करता हूँ। देखिए, अब धीरे धीरे आई का लुक
अभी बढ़िया हो रहा है। आईब्रो बनाना भी आसान है दोस्तों। देखिए पहले हल्के हाथों से आईब्रो बना लिया, अब उसके ऊपर स्किन कलर का लेयरिंग कर देंगे और उसके बाद डार्क पेंसिल से आईब्रो को बना लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर भी कर देना। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।